मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर दो दिनों का मंथन होगा। आज और कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक होगी। AICC की तरफ से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग समिति बैठक लेंगी। भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से बैठक शुरू हो गई है और आज लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया है। हारे गए प्रत्याशियों से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य 1-on-1 चर्चा करेंगे। बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों से हार के कारण भी पूछे जाएंगे। प्रत्याशियों से पूछने के बाद बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी और 30 जून को लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई चुनावी समितियों के सदस्यों से चर्चा होगी। इस समिति में पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेघावी बैठक में शामिल होंगे। तीनों नेताओं को हार का पता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बैठक के बाद हार की रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन भी होगा। आज जिलाध्यक्षों को बुलाकर ये रणनीति बनाई जा रही है। जो हमारे किसान भाइयों को बिजली नहीं मिल रही है, बीज खाद नहीं मिल रहा है, ये हमारे किसान भाइयों समय पर बिजली मिले, बीज खाद मिले, इसके लिए हम अपने जिलाध्यक्षों को आज निर्देशित करेंगे कि जाकर ब्लॉक और जिले स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ें, जिससे किसान भाइयों की समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जाएँ, बीज खाद समय पर मिले, बिजली समय पर मिले, इसकी पूरी लड़ाई मध्य प्रदेश के हर जिला और ब्लॉक स्तर पर लड़ेंगे। इसके लिए आज जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है। बैठक में 1-on-1 चर्चा हो रही है, उनकी पूरी कमेटी है, एक कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आप चुनाव कैसे आ रहे हैं। तो मैं अपनी सीट का बता सकता हूँ, भिंड दतिया लोकसभा सीट, यहाँ से मैं प्रत्याशी था। मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है वो आज की तारीख में पूरा कार्यकर्ता बन गया है, सदस्य लेना बाकी है।